हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर फ्रेश वीडियो ऑफ माय चैनल मिस्टर शाहटेक। फ्रेंड्स, आपके अनजाने में ही फेसबुक आपका डाटा को स्टोर करता है। आप जो भी वेबसाइट को यूज़ करते हैं, जो भी सर्च करते हैं, जो भी ऐप्स यूज़ करते हैं, उन सब का डिटेल्स फेसबुक के पास रह जाता है। तो ये एक प्राइवेसी का मैटर रहता है यहाँ पर। तो आप कैसे ऑफ कर सकते हो और आपका प्रीवियस हिस्ट्री को कैसे डिलीट कर सकते हो, इसके लिए मैं आज ये वीडियो लेकर चले आया हूँ। सो गाइज, इस छोटे वीडियो को पूरा एंड तक देखना और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। अगर आप किसी भी शॉपिंग वेबसाइट पर जाते हो और किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करते हो, देन उसे ऐड टू कार्ट करते हो, तो यही डेटा उस वेबसाइट फेसबुक को शेयर करता है। जिससे आपने देखा होगा कि उस टाइप का ही प्रोडक्ट का कोई भी वीडियो, कोई भी फोटोज आपने फेसबुक पे देखा ही होगा। इसको मार्केटिंग लैंग्वेज में कहते हैं टारगेट एडवर्टाइज। मतलब जो भी प्रोडक्ट आपने वेबसाइट पे सर्च किया है, उस टाइप का ही प्रोडक्ट आपको फेसबुक में मिल जाएगा। इसके बाद और एक होता है कि जब भी आप कोई वेबसाइट पे लॉगिन करते हो या किसी भी एप्स के लिए लॉगिन करते हो, तो आपको फेसबुक लॉगिन का एक ऑप्शन दिखता है। और जब आप फेसबुक लॉगिन करते हो तो उस ऐप का सब डेटा फेसबुक के पास चला जाता है। और उस ऐप्स और उस वेबसाइट पे आप जो भी चीज़ करते हो तो उसका पूरा हिस्ट्री फेसबुक के पास रहता है। और भी बहुत ही तरीका है जिससे फेसबुक आपके डेली डाटा को स्टोर करता है। इसी एक्सेस को आप कैसे ऑफ कर सकते हो, ये मैं वीडियो में बताऊंगा। सो गाइज, लेट्स गो। सो गाइज, पहले आपको अपने फेसबुक ऐप को ओपन कर लेना है। देन ओपन हो जाने के बाद जो ऊपर 6 ऑप्शन में आपको मिल जाता है, उसमें से लास्ट ऑप्शन पे आपको चले जाना है। देन थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद सेटिंग्स ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। देन फिर से सेटिंग ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। देन थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा, योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन। देन आपको जो 3 नंबर ऑप्शन है ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, वहाँ पर क्लिक कर देना है। देन जो आपको यहाँ पर पेज आ गया है, देन यहाँ पर आने के बाद आपको दिख ही जाएगा कि मेरा जो फ़ोन में ऐप्स है, उस ऐप्स का एक्टिविटी यहाँ पर पूरा स्टोर करके रखा है। जैसे कि पिक्सल लैब, मेरा जो फ़ोन में ऐप पेस, फ्री फायर, म्यूज़िक ऐप, देन जो फाइल मैनेजर है वो ऐप, उन सब का स्टोरेज यहाँ पर पूरा स्टोर करके रखा है फेसबुक ने। तो इससे आप कैसे डिलीट करते हो, जो आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है क्लियर हिस्ट्री, उसे आपको क्लिक करके क्लियर हिस्ट्री ऑप्शन को क्लिक कर देना है। इससे आपका जो भी प्रीवियस हिस्ट्री था वो पूरा क्लियर हो जाएगा। देन फ्यूचर के लिए जो मोर ऑप्शंस है वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। मोर ऑप्शन पे जाने के बाद जो मैनेज फ्यूचर एक्टिविटी है वहाँ पर क्लिक करने के बाद, जो मैनेज फ्यूचर एक्टिविटी है नीचे, उस पर फिर से क्लिक करने के बाद जो फ्यूचर ऑफ फेसबुक एक्टिविटी है उसको आपको ऑफ कर देना है। टर्न ऑफ करने के बाद जो फ्यूचर में आप किसी भी ऐप्स वेबसाइट पे चाहते हो तो आपको कोई भी जो प्राइवेसी है वो फेसबुक के पास नहीं जाएगा। तो इससे आप पूरा प्राइवेसी फ्री रहते हो और फेसबुक के पास कोई भी डाटा नहीं जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो फ्रेंड्स यही था। ये वीडियो आपका हेल्प हुआ तो वीडियो को लाइक करना अभी तक मत भूलना और कमेंट करना मत भूलना। सो फ्रेंड, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करो। मिलते हैं अगले कोई वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।